मंगलवार को बड़ा ताजाबाद परिसर में मुस्लिम समाज भाइयों के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारी खान शामिल हुए थे, जिन्होंने उपस्थित मुस्लिम समाज भाइयों के साथ संवाद किया। मुस्लिम समाज भाइयों के विकास को लेकर कई सवाल हैं, जिन्हें सही नेतृत्व न मिलने से न्याय नहीं मिल पाया है। इन सवालों पर जवाब देने और समाज के लोगों को एक राह दिखाने, एक नेतृत्व तैयार करने के लिए प्यारी खान ने समाज के लोगों के साथ चर्चा की। कार्यक्रम में मुस्लिम भाइयों ने उनकी राजनीतिक स्थिति और मुस्लिम समाज के विकास पर प्यारी खान से कई सवाल पूछे। प्यारी खान ने इन सवालों का जवाब देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में वह समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में विकास की राह आसान करेंगे। इस वक्त उपस्थित अन्य बाशिंदों ने अपने विचार मन से साझा किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में रहते हुए मुस्लिमों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, मुस्लिम समाज को शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। जो घर वाले कीचड़ में हैं तो कीचड़ में जिंदगी गुजर कर रहे हैं, पानी नहीं है तो उसी से काम चला ले रहे हैं, छत से पानी टपक रहा है तो उससे ही काम चला ले, घर में बिजली नहीं है तो उससे ही काम चला ले। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये हालात का जिम्मेदार कौन है? ये हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और दूसरा नहीं। क्या आपने कभी जिसको 5 साल पहले वोट दिया था उसे कभी सवाल किया, या वो कभी आपसे मिलने आया है मिलने? तो क्यों नहीं आपने सवाल किए? क्यों ऐसा वोट दे दिया? क्यों आपने एक गारंटर खड़ा नहीं किया? आपका काम था एक गारंटर खड़ा करना। नागपुर में मुस्लिम तकरीबन 3 से 3.5 लाख, मैं देख रहा हूं कि उनको कुछ नहीं मिलता। जो समाज नागपुर में 1 लाख है उसको सब कुछ मिलता, उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिलती है, उनको MLA की टिकट मिलती है, उनको कई कारपोरेटर मिलते हैं काम करने वाले, लेकिन हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमारे को कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने जो हमारे ऊपर जो बैठे कांग्रेस वाले उनको ही हमने सब कुछ मान के रखा है। हमने कभी उनसे सवाल नहीं किया। वो 5 साल में एक बार किसी गरीब के यहाँ आ जाते हैं, अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं और चले जाते हैं। मेरे को फ़ोन आया उनका, मतलब बिल्कुल यहाँ आना नहीं, बिल्कुल नहीं आना। अरे यार, बोले आप तो मेरे दोस्त हैं। मतलब आप मेरे समाज के दोस्त नहीं हैं, आप मेरे दोस्त हो सकते हैं। आपने मेरे समाज का क्या हाल करके रखा है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं हूँ। नितिन जी से मेरे एक करीबी संबंध है, देवेंद्र जी से करीबी संबंध है। उसके आप लोगों को पता है कि प्यारे खान साहब क्या चाहते हैं आप लोगों से, और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि मायूस नहीं करोगे आप, क्योंकि जैसा अभी पारे खान साहब ने बताया कि उनका बचपन ही यहाँ गुजरा है, तो फिर आपके इस इलाके के हैं उनके और आप मेरे आप लोगों के बीच में। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मेरे बुजुर्गों से, मेरी बहनों से, मेरी माँ से, कि 19 तारीख को हमको तय करना है कि हमको नुमाइंदा हमारा कैसा होना चाहिए। एक वो जिसको हम जानते नहीं, एक वो जिसने शहर को बहुत कुछ दिया, और शहर के साथ साथ प्यारे खान साहब के कहने पर आपके इस इलाके में ताजबाग में उन्होंने बहुत कुछ दिया है जो हम भूल नहीं सकते। हमारे शहर को भी गडकरी साहब ने बहुत कुछ दिया, ख़ास तौर से हमारे मुसलमानों के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, एक अच्छी लाइब्रेरी के लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपये दिया। तो मुझे यकीन है और मुझे इस बात का कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम किसी का एहसान रखते नहीं। हमारी तकलीफें सुधारने के लिए आज यहाँ प्यारे साहब आए और वो हमारे नेतृत्व में जो भी बात बोल रहे हैं, बहुत खुशी हुई हमको उनके आने से। हमारा जो काम है वो करने को तैयार है, हम पूरे बस्ती के लोग वही वोट देंगे। ताजाबाग के अंदर में जो अभी यहाँ मीटिंग हुई है तो हमारा ऐसा नज़रिया है कि हम प्यारे खान साहब को वोट देंगे। हमारा ऐसा सब लोगों का ऐसा कहना है कि हमको यहाँ के रहने वाला जो नागरिक चेयरमैन है हम इनको वोट देंगे। और गडकरी साहब का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो पहली मर्तबा कांग्रेस जैसी पार्टी को उन्होंने हरा के मिनिस्टर बने और जिस तरीके से नागपुर का विकास का डेवलप के अंदर में उन्होंने दिलचस्पी ली, आज पूरे लोग बोलते हैं कि
वो मांग करते हैं कि हमारे एरिया से आगे आप लड़िए और हमारा डेवलप कीजिए। इतना अच्छा गडकरी साहब ने किया, इसमें दो राय नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लोगों की तो समस्या बहुत सालों से है जी। जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के लोग आए, उन्होंने आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया। और अभी तो जो काम नागपुर में हो रहा है या प्यारेखान साहब यहाँ ट्रस्ट आने के बाद में, ट्रस्टी बनने के बाद में जो काम यहाँ पे दिख रहा है, पहली मरतबा हम देख रहे हैं। मुस्लिम समाज के इस आयोजित कार्यक्रम में कई मुस्लिम युवा और जानकार लोगों ने हिस्सा लिया और सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का निराकरण कर लिया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश चंकलवार की रिपोर्ट।